दसवीं और बारहवीं का रिजल्ट और परीक्षा के नतीजे आ चुके हैं। बलौदाबाजार जिला इस बार टॉपर रहा, हम लड़कियों ने बाजी मारी है। हमारे साथ मौजूद हैं कोपल जी, जो बारहवीं में 97% हासिल करके छत्तीसगढ़ में दूसरे स्थान पर मौजूद है। ये बहुत बहुत बधाई आपको न्यूज 18 की तरफ से। थैंक यू सर। कैसी तैयारी रही आपकी? तैयारी मैंने एकदम स्टार्टिंग सेशन के स्टार्टिंग से ही शुरू कर दी थी और पूरे साल भर एक कंसिस्टेंटली पढ़ाई की, सही है रिजल्ट। लग रहा था कि इस बार टॉपर आना? यस सर, पूरे चांसेस। मम्मी पापा कितना सहयोग? मम्मी पापा का तो सबसे ज्यादा सहयोग था, मेरा एक शेड्यूल को डिसिप्लिन बनाने में, उसके लिए मम्मी पापा का बहुत सहयोग था। और पढ़ाई में तो टीचर्स का भी और मम्मी पापा का तो रहता है। आगे क्या करने का प्लान है? बारहवीं में इतने अच्छे नतीजे आपके आए हैं, आगे मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है। देख सकते हैं कोपल थी, उसकी माँ भी मौजूद है। जी, किस तरह से आपकी बेटी की जो खुशी है, कैसे पता चला आपको सबसे पहले? सर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है, हम लोग एकदम लाइव देख ही रहे थे न्यूज को, क्योंकि उम्मीद थी कि बच्ची का कहीं ना कहीं नाम आएगा और टॉप सेकंड में आएगा, ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहा है। लेकिन उसकी मेहनत आई, सामने आई, उसने इतना मेहनत किया था, तो काफी मतलब इनके पापा यहाँ पर मौजूद हैं। कैसे कैसे टॉप की, किस तरह से तैयारी? इसने असल में पढ़ाई को लेके शुरू से ही बहुत ज़्यादा सजग रही है। टेंथ में भी इसने 92% मार्क्स सीबीएसई से उसने पढ़ाई की, नवोदय विद्यालय से। उसके बाद से क्लास 11th और 12th में उसने आत्मानंद ज्वाइन किया, क्योंकि उनकी मदर यही पढ़ाती है, तो उनकी देखरेख में, उनकी पूरी गाइडेंस में उन्होंने पढ़ाई अपनी पूरी करी है। और ये जो आज रिजल्ट आया है, इनकी माँ के 12 साल की तपस्या का परिणाम। देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद थी 97 जो टॉपर की है बिटिया कोपल। उनका साफ तौर पर कहना है कि आगे वो आईएएस की तैयारी करेंगे, लिहाजा न्यूज 18 की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगेश यादव, न्यूज 18, बलौदाबाजार।